हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। मेक्सिको में खोजी गई दुनिया की सबसे बड़ी जल सुरंग, खुले प्राचीन राज। हमारी दुनिया में लगभग हर रोज कोई न कोई खोज होती ही रहती है, जिसके वजह से हमें अपने दुनिया के तमाम अनसुलझे रहस्यों के बारे में पता चलता है। हाल ही में दुनिया में एक और खास किस्म के चीज की खोज की गई। दरअसल गोताखोरों के एक समूह ने पूर्वी मेक्सिको में दुनिया की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग की खोज की है। आपको बता दें कि ये सुरंग करीब 347 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग के खोज के साथ हमें एक और दूसरी चीज का पता लगा है, क्योंकि अक्सर एक चीज की कड़ी किसी दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इस खोज के बाद मेक्सिको और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई प्राचीन माया सभ्यता के बारे में हमें और भी अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। दरअसल कुछ समय पहले से ही दक्षिण पूर्वी मेक्सिको में स्थित युकाटन प्रायद्वीप में पानी के नीचे स्थित सुरंग को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और इसके लिए ग्रैन एक्यूफेरो माया GM अभियान भी चलाया जा रहा था। इस अभियान के दौरान ही सैक एक्टन नाम के इस सुरंग की खोज की गई। हालांकि शुरुआत में तो इस सुरंग की लंबाई कुल 263 किलोमीटर कहा जा रहा था, लेकिन बाद में तुलुम में स्थित जलमग्न सुरंगों की श्रृंखला डॉस ओजोस से जोड़े पर इसकी लंबाई करीब 347 किलोमीटर हो गई। GM के डायरेक्टर गुलेरमो डी एंडा से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इस सुरंग के आविष्कार के बाद स्पेन के कब्जे में आने से पहले की माया सभ्यता के बारे में कई तरह के खोज किए जा सकते हैं, और केवल इतना ही नहीं, उस काल में बसाई गई बस्तियों और तीर्थस्थलों की जानकारी भी इस सुरंग से हमें मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि माया सभ्यता के सबसे अधिक अवशेष युकाटन प्रायद्वीप में ही पाए गए थे। अब आने वाला समय ही ये बता पाएगा कि यह सुरंग से जुड़ी और किन किन कड़ियों का इतिहास इसमें आज भी दबा हुआ है।